हेलो लवली पीपल, आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन। मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद में मैंने अभी लहसुन अदरक प्याज को कूट के रखा हुआ था उसको मैंने डाल दिया है। डाल देने के बाद में अभी आपको अच्छे से उसको चलाना है, थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। उसके बाद में मैंने हल्दी डाल दिया। आप ज़्यादा कलर पसंद करते हो तो ज़्यादा डालिए। फिर उसके बाद में मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को भी अभी अच्छे से चलाना है, उसको मिलाना है आपने। और उसके बाद में जीरा, धनिया, चिल्ली पाउडर सभी डाल के आपको उसको मिलाना है। उसको प्यार से आपने उसको बच्चे की तरह उसको सहलाना है, तभी आपको टेस्ट वगैरह पूरा कलर वगैरह खिल के आएगा। उसके बाद में अच्छे से चलाइए। चलाने के बाद में फिर आपने नमक डाल लेना है आपके टेस्ट के अनुसार। मैं तो ज़्यादा ही खाता हूँ इसलिए ज़्यादा डाला। उसके बाद में आप टमाटो डालिए। टमाटो को भी प्यार से आपने एकदम ग्रेवी बना लेना है। ग्रेवी बनाने के बाद में उसको थोड़ा देर छोड़ देना है। अब ये रेडी है, चलो खाने के लिए शुरू है। फिर अभी मुकबैंग शुरू करते हैं। हेलो लवली पीपल, नमस्कार सभी चैनल है, सभी को नमस्कार। टुडे आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। आई हैव ब्रोट किंग के भन्छ दुईटा किंग चिल्ली छ, अनि यो चिकन होइन, त्यसको एक्स्ट्रा ग्रेभी, यो चाहिँ रो बोडी हो होइन, अनि के भन्छ यो पालक, दिस इज सलाद, मिक्स्ड अफ टमेटो, ओनियन, के भन्छ गार्लिक, सबै मिक्स गरेको छु, चिल्ली वगैरह। सो लेट स्टार्ट। अनि सरी, आई फोगट टु टेल, लाइक आई हेभ पोटेटो ओभर हियर अल्सो, नि दिस इज फ्राइड पोटेटो। ल चलो, भगवान्को नाममा, सबैको नाममा सुरु गरिदिएँ है मैले। किङ चिल्ली इज अलवेज माई फेभरेट। हजुर भने यो त आई कान्ट। एक काम गर्छु नि, पुरा झोल अलिकति यता झोल हालेर पछि फेरि राख्छु होइन। दिस इज स्नेक बिन्स, वन अफ आवर फेभरेट। आजकल मेरे को बहुत ही लेट होता है वीडियो बनाने में, आप लोग प्लीज़ गलत मत सोचिएगा, बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। नेक्स्ट टाइम कौन सा वीडियो लाओ आप लोग मेरे को बताइए, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं जो पसंद करता हूँ वही बनाऊँ, मैं वो नहीं चाहता हूँ। आप लोग बताइए, मैं बिरयानी बनाओ, पोर्क बनाओ, चिकन बनाओ, फिश बनाओ, आप लोग के हिसाब से करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग ही मेरे लिए सबसे माए बाप हो। आप लोग ही मतलब बोल सकते हो कि लाइक आप लोग ही मेरे फैमिली हो। आप लोग को पसंद आना चाहिए, मेरे पसंद से नहीं चलता है, तो मेरे को आप कॉमेंट करके प्लीज बोल दीजिए ना, तो मैं पक्का वही करूँगा। और हाँ, आज मैंने चिकन में आपको जो रेसिपी वगैरह जो दिखाया था, ये बहुत ही फेवरेट है चिकन। मैं पोर्क ज़्यादा डालता हूँ लेकिन चिकन मेरा ज़्यादा फेवरेट है एक्चुअली में। आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी पसंद आएगा जो मैंने रेसिपी दिखाया है ना। ऐसे ग्रीन वगैरह सलाद वगैरह खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और प्लीज खाइएगा, आप लोग का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा।
किंग चिल्ली, और एक बात बोलना चाहूंगा, जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि मत खाइए, वीकली वंस और ट्वाइस आप लोग घूमने जाते हो उस टाइम पे खा सकते हो, लेकिन उसमें मतलब ज़्यादा मत खाइए। जितना हो सके घर में बना के खाइए, घर का खाना ऑर्गेनिक होता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे को मम्मी पहले बोलती थी ना कि घी में मतलब घी के साथ खाना कुछ भी हो, रोटी के साथ कुछ भी साथ भी खाओ। पहले मैं नहीं खाता था, लेकिन आजकल मैं दबा के खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को हड्डी हड्डी में प्रॉब्लम आएगा, तो खाना चाहिए टाइम रहते ही, ताकि आप बूढ़े जब बूढ़ा भी हो जाओ ना, बूढ़ापे भी आ जाए, तो उस टाइम भी कम से कम आप खड़े होने का एक होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। अभी तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ बोल के ना, ऐसे होना चाहिए। अगर आप लोग कहीं का भी एम्प्लॉय हो, अगर वो जगह में आप लोग को अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना, आप बोलो सीधा। मैं जिसको बोलना चाहता हूँ वो समझ जाएगा, आप सीधे सीधे बोलो अगर आपको पसंद नहीं आया, अगर गलत हो रहा है आपके साथ। एक ही चीज से पूरा घर नहीं बन सकता है, अगर पूरा एक बिल्डिंग बनना है ना तो उसमें हजारों आदमी लगता है। हजार आदमी के बाद छोड़ो, कम से कम 10-15 आदमी लगता है, एक ही आदमी से पूरा बिल्डिंग नहीं बन सकता है। इसीलिए एम्प्लॉय का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको बोल रहा हूं वो समझ जाएगा। मैं किसी के इज्जत को डाउन करना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज को ना फैमिली मेंबर सोचना चाहिए, कभी भी डाउन डाउन नजर से नहीं देखना चाहिए। लास्ट पीस सर, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम। ओके लवली पीपल, खत्म हो गया, अब तक के लिए बाय लवली पीपल।